नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सब्सक्राइब तो अभी तक आप लोग कर ही चुके होंगे, शेयर और लाइक जरूर करिए और बेल बटन बजाना या दबाना जो आपको समझ में आए ना भूलिए। आज का हमारा नुस्खा है, सिगरेट से पीने से, गुटखा खाने से दांतों पे कालापन आया है उसको बहुत आसानी से ये दूर करेगा दोस्तों। ये नुस्खा बहुत प्यारा नुस्खा, सरल नुस्खा है। आपका कहने का, एक मिनट भाई रोकने दो, आपका कहने का क्या मतलब है? दांतों के काले और पीलेपन को आप दूर कर दोगे? कर दूंगा दोस्त, कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं। इसके लिए उपाय बहुत सरल उपाय है, उपयोग में आपको लाना है 3 इंग्रेडिएंट्स। 2 इंग्रेडिएंट्स आपको दिख ही रहा होगा, एक है कोलगेट। कोलगेट बहुत बहुत दुनिया में माना जाना है, कोलगेट नियर अबाउट 70% इंडिया में यूज करते हैं। दूसरा है पैरासूट दोस्तों, पैरासूट। तीसरा इंग्रेडिएंट्स, हम इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए, हम तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है। अब हम आपको बताने जाने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप छुपा के रख रहे हैं तीसरा इंग्रेडिएंट? हाँ जी, तीसरा इंग्रेडिएंट हम जरूर बताएंगे, क्योंकि आप इसको किस तरीके से, प्रक्रिया क्या है ये जानने के लिए तीसरा इंग्रेडिएंट इसके लिए हम छुपा के रखें। इसको जितना आप मॉर्निंग में यूज करते हैं पेस्ट, उतना लेना है मात्र, ब्रश के जितना लेते हैं आप, इतना मात्रा में आप ले लें कोलगेट मेरे दोस्त, प्लेन कोलगेट, ध्यान रखिएगा प्लेन कोलगेट। उसमें अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने छुपाया था वो लेना है दोस्त, जिससे आपके पीलापन दांतों में, दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट बहुत 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 महत्वपूर्ण है आपके दांतों के लिए, जो चमकदार बनाएगा आपके दांतों को। एक चुटकी, हाँ दोस्तों, एक चुटकी के बराबर इसमें आपको नमक डालना है। इसके बाद बढ़िया, इसके बाद इसमें आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, एक हाफ स्पून, हाँ दोस्तों हाफ स्पून कोकोनट ऑयल, हाँ जी कोकोनट, जिसमें विटामिन रहते हैं। भाई ये तो बालों में लगाने वाले इसको खा सकते हैं? हाँ दोस्त, ये तो वो ऑयल है जो खानों में भी यूज किया जाता है, कोकोनट ऑयल। पूरे साउथ में, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल से खाना बनाया जाता है दोस्त, जानकारी। इसको हाफ स्पून लेना है दोस्तों, इस प्रकार। अब इसका मिश्रण ध्यान रखिएगा, इसका मिश्रण प्रॉपर तरीके से आपको इस प्रकार करना है, और इसको कितनी बार यूज करना है, कैसे यूज करना है, हम आगे आपको बताते रहेंगे दोस्तों। ये आपका पेस्ट दांतों को क्लीन करना, कालापन खत्म करने के लिए रेडी हो गया दोस्तों। अब इसको इस प्रकार हाथों में लेके, ब्रश में लेके आप अपने दांत पे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए। करीबन ये आप 15 मिनट तक आप इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में गुनगुने पानी से, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुनगुने पानी से ही हमें साफ करना है अपने दांतों को। आप पहले इसका फोटो खींच लीजिए अपने पहले दांतों का, और ये यूज करने के बाद में फिर से आप फोटो खींचेगा, आपके दांत मोतियों जैसे, अच्छा मोतियों जैसे चमक उठेंगे। भाई बड़ा स्टाइल मत मारो, एक दिन में कर दोगे? कितने दिन करना है ये नुस्खा? पहले दिन तो आपको समय पे पता ही चल जाएगा कितना फर्क आया, लेकिन इसका उपयोग कंटिन्यू आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें मात्र कोलगेट है, ऑयल है और सॉल्ट है। इसका करीबन एक महीने तक आपने उपयोग किया है तो आपका दांत मोतियों जैसा चमकना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो भाई आपके कहने का मतलब है कि जो रजनीगंधा मैं खाता हूँ, हाँ जी ठीक है, उसको अगर मेरे दांत तो आप जानते ही हो, हाँ जी, और मैं फोटो खींचने वाला हूँ, हाँ जी ठीक है, और आपसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी फोटो खींचिए, क्योंकि मेरे भाई को हम एक महीने में इस चीज का जवाब देंगे, और इसका एक हम बीच में भी वीडियो बनाएंगे कि 15 दिन में क्या फर्क पड़ा। मैं तो चाहता हूँ कमेंट में आप लोग लिखो, हमारे YouTube चैनल पे हम एक चीज करने वाले हैं जो होगा सबके सामने होगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स हैं जो सिर्फ दावा करते हैं, खोखले दावे, यहाँ ये सब नहीं होता। लेकिन भाई ये मेरा पक्का दावा है, इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको दांत के बारे में ही आएगा, जो आपके दांतों को मोती जैसा चमकाएगा। धन्यवाद, शब्बा खैर, सायोनारा।
तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे कि आपको इसी तरह की रोचक वीडियोस के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे।